उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जयकारा मन ही माला। हमारे यहाँ राज्य में भी इसकी जय जयकार क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों 22 भाई पठारों को था कि अकेले आर्खा है और हम तो 22 भाई जो हैं हम तो इसे तो बाला गोरिया प्रसन्न होते हैं। तो अब जाके फिर सारा राजपाट किसको देते हैं? भाना बामड़ी को देते हैं। तो उनसे कहते हैं अब मैं बहन खुश हूँ, तो इनकी बहन वहाँ से शुद्ध होके तो दोस्तों फिर अपने गढ़ी चंपावत में चले जाते हैं। वहाँ से इनके मामू आशीर्वाद देते हैं, झांकर दूड़ी के स्वयं राजा इनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरे क्या मुनि शहरी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरे क्या मुनि शहरी, हम पहाड़ी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, 22 भाई पठारों की कहानी लेके आ रहा हूँ। किस तरीके से उनने मौरी कोर्ट में वहाँ पर काफ़ी आतंक मचाया और किस तरीके से उनने वहाँ पर ये सारी कहानी आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा दोस्तों, किस तरीके से इनने करा। और दोस्तों जो सवाल हमारे दर्शकों के आए हैं लास्ट में मैं वो भी डाल दूंगा इसमें, जिन जिन के सवाल आए, बाकी जिनने जय हो गोलू देवता की, जय हो गोलू देवता की पुला है, मैं उनका आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन जिन ने अपने इष्ट देवता की जय बोली है और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट और प्यार दुलार दिया है, मैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं कहानी में आने से पहले श्लोक के माध्यम से सभी देवताओं को याद कर लेता हूँ एक बार से। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी, रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिर जाके लाल गणपति, करिए सब अपराध समा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर मुलापति का ध्यान करे, गोलू देवता की लीला का हम बखान करें। जय हो गोलू देवता, सद रक्षा करना, हे गोलू देवता है सद रक्षा करना। दोस्तों मैं कथा में आने से पहले सभी देवताओं को आदेश कर देता हूँ और जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा मैं उन सबको नमन करता हूँ। और दोस्तों मैं कथा में आता हूँ अपनी। दोस्तों आप लोगों को पता है, सभी दोस्तों को हमारे, कि आखिर बाला गोरिया क्यों हमारे उत्तराखंड के घर घर में स्थापित है? चाहे और देवता तो चलो आते होंगे दोस्तों, मैं ये नहीं होंगे और देवता, सब देवता नाचते हैं, किसी के घर में क्या नाचते हैं, किसी के घर में क्या नाचते हैं, लेकिन अगवान जो करते हैं गुरु देवता ही करते हैं दोस्तों। हर जगह हर घर घर की कहानी है दोस्तों, हर घर में बाला गुड़िया रहती ही हैं उत्तराखंड के। आप चाहे कितने बड़े धाम में चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, तो आदेश जो लगता है पहले बाला गुड़िया को ही लग जाता है दोस्तों। पहले बाला गुड़िया को आदेश लगता है कि क्या अगवानी करने वाले वही होते हैं बाला गुड़िया, मामू के भांजे। तो दोस्तों ना कभी हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश करी है कि बाला गुड़िया के बारे में यार, कि बाला गुड़िया का कैसे हुआ क्या हुआ। हम एक दो कहानियाँ जानते हैं कि उनकी लीला वर्णन क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों उनका जन्म ले लो और कंतिपुर करने का जन्म ले लो, दोनों का एक समान ही है, कोई लीला में अंतर नहीं है। और देखो वो भी कैसे चमत्कारी थे और बाला गोरिया भी चमत्कारी थे, शुरू से ही अपनी चमत्कारी शक्तियाँ दिखाई थी बाला गोरिया ने भी, और क्या नाम कहते हैं वैसी कर्ण ने भी अपनी शक्तियाँ दिखाई थी। तो दोस्तों ये सारी शक्तियाँ इनको शुरू से ही बचपन से प्राप्त थी बाला गोरिया जी को, तो मैं उनकी लीला का वाहन कर रहा हूँ दोस्तों। आपको कहीं से कहीं देखो, आप कितने बड़े धाम चले जाओ, आपके घर के बाला गोरिया सुधरे हैं तो सब देवता सारे धाम आपको घर में मिल जाएंगे। और आपके घर में यदि बाला गोरिया बिगड़े हैं तो आप कोई से धाम चले जाओ, चाहे क्या नाम कहते बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे द्वारिका चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ आप दोस्तों, लेकिन आपके घर में जब तक बाला गोरिया सुधरे नहीं होंगे तो आपके सारे तीर्थ बेकार हैं। आपके घर में बाला गोरिया सुधरे हैं और आपके दोस्तों, आप देखना कहीं बड़े बड़े धामों में जाके आपको फ़र्क नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से बाला गोरिया जी एक जैसे घर में जो डंगरिया होगा कोई भी आपको फ़ोन कर देंगे तो आपको वहीं से फ़र्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों बाला गोरिया की शक्ति है, आज भी प्रचंड है दोस्तों उत्तराखंड में, हर चाहे देश विदेश में कहीं भी हो अपने भक्तों पर रक्षा करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे बाला गोरिया जी की कहानी बता रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे जो नए पीढ़ी नए लोग हैं जो जैसे नहीं जानते हैं बाला गोरिया के बारे में, खुद हम लोगों को इतना पता नहीं होता है दोस्तों, हम खुद जान पहचान करते इधर उधर से लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर हर जगह भेजें, जो जो हमारे नए यूथ वगैरह हैं, मुझे काफ़ी यूथ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को काफ़ी
मतलब खुशी की बात है कि यूथ लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन पर देखो दोस्तों घर घर में तो जो यूथ आ रहे हैं नए नए घोड़े नाचते हैं, तो दोस्तों वो तो बालागुड़िया के भक्त हैं ना, तो वो मुझे लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी खुशी हुई दोस्तों। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ, 22 भाई पठारू को किस तरीके से बालागुड़िया ने साजा और क्या करा कैसे करा, मैं आपको पूरी कहानी पर आता हूँ। तो दोस्तों यह बात है दरअसल आज से बहुत पुरानी बात है दोस्तों। तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था, ये मौर्य कोर्ट की एक रानी और राजा थे। तो दोस्तों जब मौर्य कोर्ट की जब राजा मरे तो यहाँ क्या कर दिया, ये 22 भाई पठार थे तो इनने क्या करा, सारा राजपाट हत्या लिया। तो उनकी ज़मीन भी हड़प ली, और उनकी ज़मीन भी हड़प ली, उसके बाद उनका जहाँ रह घर था वो भी हड़प लिया। सब हड़पने के बाद ये अपने 22 भाई पठार वहाँ बैठ गए। जब 22 भाई पठार बैठ गए तो इनने वहाँ पर अपना राजपाट स्टार्ट कर दिया 22 भाई पठारों ने। तो दोस्तों फिर जो महिला थी वो रोई, काफ़ी विलाप करा उसने, काफ़ी विलाप करा, विलाप करते करते उसने अपनी छाती पीटी। दोस्तों उस टाइम पर होता ही था, वो टाइम ऐसा था, तो उसने पूरी छाती पीट पीट के अपना मतलब पूरी छाती में मतलब मारा, उसके अश्रु की धारा इतनी त्रिवल बह रही थी कि उसको रोकना काफ़ी असंभव हो गया था किसी के लिए भी। तो दोस्तों जब उसने, उसको लगा कहीं से कोई सहारा नहीं है, उसने अपने पूरे गांव वालों से साफ मदद मांगी मौर्य कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कोई तो मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। समाज हुआ अपने से मतलब रखते हैं, चाहे वो युग कौन सा युग भी हो, आज भी या वो युग भी, केवल अपने से मतलब रखते थे लोग। उसके बाद जब अपना काम हो गया तो कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों वैसी उसकी किसी ने मदद नहीं करी, तब जाके उसने धात मारी, कहाँ 33 कोटि देवी देवताओं को बात मारी। उन्होंने कहा आज कोई देवी देवताओं में आँख नहीं है, जिनने क्या नाम कहते हैं मेरे को पूरा घर से बेदखल कर दिया, आज किसी देवता में शक्ति नहीं है कि क्या नाम कहते हैं, जिनने मेरे को पूरा बेघर होने पे और सब देवता पर आँख हो गए। और सबने दोस्तों जब कहते हैं ना कि इस पर बीतती है तो उस टाइम पर क्या नहीं बोलता और क्या नहीं बोलता है, तो दोस्तों उनने सब देवताओं को पुकारा 33 कोटि देवताओं से, तो उसे कोई से कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। फिर उसने पंचनाम देवों में घात डाली, पंचनाम देव बोले जाते हैं जो पंचनाम देवते होते हैं बड़े, तो वहाँ घात डाली। उन्होंने कहा देवते वो क्या नाम कहते हैं, आज के पार आँख नीचे आँख फूट गई सपार, और क्या नाम कहते हैं मेरे कोई नीचे अघिलना पछिड़ना, और तुम ना मेरे को चहार छा ये सो, मतलब ने अपनी घात डाली, पूरी घात डाली। तो दोस्तों वो घात नहीं, उसको मतलब कोई चीज़ का वो नहीं हुआ। तो दोस्तों उसका मतलब विश्वास जैसा उठ गया था, तो काफ़ी उठा। तो अब गढ़ी चंपावत में क्या हुआ दोस्तों, दादू गोरिया अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे के क्या हो गए थे हाव भाव जब देवतु में पुकार पड़ती थी दोस्तों। तो दोस्तों उस टाइम पर एकमात्र धरती पर बालागुड़िया ऐसे थे कि वो दबकी पुकार सुन सकते थे कहीं से भी। तो दोस्तों उनके चेहरे के हाव भाव सब बदल गए, जब हाव भाव बदल गए उनके चेहरे पर काला पड़, पूरा काला पड़ आ गया। तो दोस्तों जो वहाँ के दीवान थे, जो वहाँ के दीवान थे मोहनदास जी ने कहा, यार दादू गोरिया क्या बात, आपके चेहरे पर रौनक सी, मतलब आज महाराज वाली रौनक नहीं है आपके चेहरे पे, क्या हुआ, कुछ बात हो गई, कुछ हो गया तो आप हम बताओ। बालागुड़िया ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सभाओ करो और मैं चलता हूँ। तो बालागुड़िया के मतलब आँखों में नेत्रों में वो था, आसुर थे। तो दोस्तों जब उन्हें 33 कोटि देवताओं में धात मारी थी, तो उस टाइम पर बालागुड़िया के शरीर में पूरे कांटे और रोमटे उड़ गए थे दोस्तों वहाँ पर, कि धर्द धर 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 होता ही है दोस्तों जब किसी को धात पड़ती है और धरती पर मतलब वो हुए, तो अगवानी सौंपने वाले उस टाइम पर वही हुए सब चीज़ में। तो दोस्तों जब उनको धात पड़ी तो अब भाना बामड़ी जो थी वहाँ पर, तो उसने काफ़ी विलाप करा, विलाप करने के बाद वो रोते रोते कहाँ गई, अपने जैसी झाड़ी झोपड़ी में गई और वो वहाँ सो गई, ऐसी सो गई। जब सो गई तो रात में उसको स्वप्न आया, तो रात में स्वप्न में कहाँ पहुँच गई, गढ़ी चंपावत पहुँच गई दोस्तों। अब रास्ता दिखाने वाले कौन हुए दोस्तों, देवता ही हुए रास्ता दिखाने वाले ने, तो रास्ता दिखाने वाले देवता। तो गढ़ी चंपावत में पहुंची तो कभी उसने क्या देखा, एक आदमी को देखा, सफेद घोड़े पर आदमी आ रखा है और सफेद कुर्ता पहना है, उसने पगड़ी पहनी है और कान में कुंडल है और तिलक का वो है और गले में माला है, उसके गले में ओम नमः शिवाय का जाप है। तो वो उस उन सपनों में देखा उनने, कभी वो गायब हो जाए कभी सपनों में आए, कभी गायब हो जाए कभी सपनों में आए। तो ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँची, चंपावत में पहुँची। चंपावत में पहुँची तो जब उसने देखा वहाँ पर पूरा चंपावत को देखा, उसने चंपा देखने के बाद वहाँ उसे सपनों में आया, एहसास हुआ कि यहाँ पर दादू गोरिया रहते हैं, बाला गोरिया रहते हैं, और वो उसने वहाँ उनका फैसला देखा, फैसला करते हुए देखा। तो दोस्तों उसकी क्या हुई, आँख खुल गई रात में, छम करके आँख खुली उसकी रात में। जब आँख खुली तो रात में उसकी, तो उसको ध्यान, पहला शब्द उसके मुंह से क्या है, दादू गोरिया।
दादू गोरिया कौन हैं और कहाँ रहते हैं, तो इस टाइप से उसके मुंह में पहला शब्द आया दादू गुड़िया के। जब उसके मुंह में शब्द आया दादू गुड़िया के, तो सुबह उठते ही क्या करा उनने, अपने दरवाजे पे कुंडा मारा, और कुंडा मारा और लगी एक बार कहाँ को, सीधा गढ़ी चंपावत को लग गई रास्ता। तो दोस्तों अब वो टाइम ऐसा था दोस्तों, उस टाइम पर रास्ते का भी किसी को पता नहीं हुआ, तो कभी कहाँ रहती, कभी कहाँ रही, कभी कहाँ रही, कभी किसी से रास्ता पूछा, कभी किसी से ये पूछा, उनने कहा भाई मुझे रास्ता बता दो, कभी किसी से इसने मतलब बहुत तरीके से उनने लोगों से पूछताछ करते 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 कहाँ पहुँच गई वो, चंपावत में पहुँच गई। जब गढ़ी चंपावत में पहुँची तो उससे तो मतलब बहना बाबरी को एहसास हो गया कि मैं रात सपनों में यहाँ आई थी, उसको एहसास हो गया था। जब वहाँ देखा तो बाला गोरिया सिंहासन पर बैठे थे, जब बाला गोरिया सिंहासन पर बैठे थे, जब उसने बाला गोरिया को देखा तो उसके आँख से नेत्रों की धर 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 धारा बहते रही, धारा बहते रही बहते रही। तो बाला गोरिया जी भाग के गए, जैसे श्री कृष्ण जी सुदामा को देख के भाग के नहीं गए थे कि यार हमारे द्वारपाल जी कोई आ गया करके, तो वैसे ही गोलू देवता जब देखा इनको गोलू देवता ने, तो गोलू देवता तुरंत भाग के गए अपनी बहन के पास और इसको अपनी बहन को गले से लगा लिया। तो वो इतनी ज़ोर से फूट फूट के रोई, इतनी फूट फूट के रोई, तो बाला गोरिया के आंखों में भी नेत्र की धारा बह गई। दोस्तों वो दृश्य ऐसा था देखने वाला, दोस्तों अब हमारे पहाड़ों में ना ये चीज़ का वो नहीं है, तो दोस्तों क्योंकि वो दृश्य ऐसा था दोस्तों, उस टाइम पर जितने प्रजा में लोग थे दोस्तों, वो सब रो गए दोस्तों फूट फूट के, क्योंकि एक राजा का रोना दोस्तों, एक राजा का रोना बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि आप कभी आप लोगों ने देखा आपके घर में जब पिताजी रोते हैं तो दोस्तों आपके सब में गले में सबके रोना आया था होगा, तो वैसे दोस्तों जब बाला गोरिया रोए वहाँ पर प्रजा के सामने अपने, तो दोस्तों सारी प्रजा के आँख में अश्रु की धारा बैठ गई थी, सब प्रजा रोने लग गई। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा राजा रो रहा है, हमारा माई बाप रो रहा है, जो हमारे पूरे पालन करता है वो रो रहे हैं। तो दोस्तों तो उनने अपनी बहन को बड़े प्यार से मलासा, उनने अब बहन तेरे को रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम सही जगह पर आ गए हो, तुम बैठो यहाँ पर। तो वो कहाँ से दोस्तों वो बड़े संभाल मन से अपने आप को संभालती है और वो करती है, तो दोस्तों इस तरीके से मतलब वो अपने आप को संभालती है, इतनी संभालती है। तो लेकिन वो दोस्तों होता नहीं, अब कोई किसी को विपत्ति होती है और उस टाइम पर कोई किसी को सहारा देता तो उसके आंसू रुके नहीं रुकते। तो दोस्तों फिर वो उनको बताती है बाला गुड़िया को कि दादू, बाला गुड़िया कहते हैं मुझे सब पता है बहन, तू मेरी बहन है और क्या नाम कहते, तू टेंशन मत ले बहन, मैं जाऊँगा और तुम्हारा फैसला करूँगा। उन्होंने कहा दादू मेरे को क्या नाम कहते, मेरे पति को उन्होंने वो कर दिया और मेरे को घर से बेघर कर दिया, मेरे को कहीं इंसाफ नहीं मिला, दादू मैं तुम्हारे चरणों में आई हूँ। उन्होंने कहा तू मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को निराश नहीं होने दूंगा, मेरे दरबार पर आइए, मैं अपनी बहन को कभी निराश नहीं होने दूंगा दोस्तों। तो बाला गोरिया ने अपनी बहन को वचन दिया वहाँ से, और दूसरे दिन क्या करा इन्होंने अपनी बहन की डोली सजाई। उन्होंने कहा बहन की डोली सजाओ, तो इनके जो सिपाही थे उनने क्या करा डोली सजाई और बहन को डोली में बिठाया गढ़ी चंपावत से, और उनसे कहा मेरी बहन को ले चलो आगे आगे, मैं घोड़ी लेकर, तरवाल पकड़ी और अपनी घोड़ी को सजाया, और सजाने के बाद अपनी घोड़ी में बैठे और राजा की तरह पगड़ी पहनी, और पगड़ी पहनने के बाद ये कहाँ को लग गए, मौरीकोट को रास्ता लग गए। जब मौरीकोट को रास्ता लगे, ये सब रास्ते में चलते हुए गिर गए, जय वीर कारा बजरंगी, जय वीर कारा बजरंगी, और हर हर महादेव के नारे इनके साथ चलते थे दोस्तों। हर हर महादेव के तो परम भक्त थे बाला गोरिया, तो दोस्तों जय मामू की करते हुए अपना वहाँ को मौरीकोट को रास्ता लग गए दोस्तों। अब जब ये मौरीकोट में पहुँचते हैं तो दोस्तों वहाँ क्या होता है, 22 भाई पठार जो थे दोस्तों, ये सिंहासन में बैठे हुए थे सब। जब सब सिंहासन में बैठे थे तो दोस्तों जब बाला गोरिया वहाँ पहुँचते हैं मौरीकोट में, तो दोस्तों सब बाला गोरिया को देखे रह जाते हैं, कहते इतना सुंदर और इतना सुशील और तेजमान, जो बिल्कुल तेज सूर्य के जैसा तेज इनके चेहरे में चमक प्रकाशमान है, क्या कारण कैसे हो सकता है इतना कोई आदमी सुंदर। तो बाला गोरिया को इन्हें देख के ऐसा कहा। तो दोस्तों जब वहाँ पहुँचे, जब लोगों के मुँह से इनने प्रशंसा सुनी, तो 22 भाई जो पठार थे वो बड़े ताकतवर थे, बिल्कुल हट्टे कुट्टे मस्त वगैरह सब 22 भाई पठार थे। तो दोस्तों जब इनने वहाँ क्या करा, जब गोलू देवता पहुँचे तो अपना तो क्या हुआ, ये बड़े बड़े आसन पर बैठे रहे, तो गोलू देवता के लिए क्या लगाया, एक छोटा सा आसन इनने नीचे बैठा दिया ना, गोलू देवता के लिए नीचे आसन लगा दिया, और गोलू देवता से कहा तुम वहाँ बैठो। तो गोलू देवता ने कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई नहीं, हर जगह अपना ऐसा नहीं होता है। तो गोलू देवता ने कहा ठीक है मैं यहाँ बैठता हूँ।
तो गोलू देवता जब बैठे वहां पर, तो गोलू देवता की जय जयकार हुई, जय जयकार हुई, तो 22 भाई पठारों का जरा मनोबल डाउन हो गया। उन्होंने कहा सब इसकी जय जयकार लगा रहे हैं, हमारे यहाँ राज्य में भी इसकी जय जयकार क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों 22 भाई पठारों को था कि अकेले आर्खा है और हम तो 22 भाई जो हैं हम तो इसे, और ताकतवर भी थे दोस्तों, हट्टे खुट्टे मस्त जैसे ठहरे, पूरे ताकतवर ठहरे। तो दोस्तों गोलू देवता अकेले गिर रहे, तो एक उनका चाबुक गिर रहा और बाकी तलवार हलवार एक घोड़ा उनका गिर रहा बस। तो दोस्तों जब ये वहाँ बैठे तो इनने अब वहाँ पर अपनी बहन से पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ के कोतवाल से पूछा, सब वहाँ पर आए गए थे। तो दोस्तों जब वहाँ के कोतवाल से पूछा, इन्होंने कहा भाई क्या बात है भाई मुनीम जी और क्या हुआ ये आप हमें बताओ। तो दोस्तों सारी प्रजा सुनसान हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो 22 भाई पठारों से पूछा, इन हत्याई है जो तुम्हारा ये राजपाट है इसका वो दो मेरे को, कितनी ज़मीन है तुम बताओ मेरे को। तो उनने अपनी ज़मीन नहीं बताई, उनने कहा जितनी ज़मीन है जहाँ तक नज़र पहुँचती सब हमारी है। उनने कहा नज़र का क्या होता है, तो मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी ज़मीन इतनी है और इतना तुम्हारा हिस्सा होता है। तो उनने कहा नहीं। तो उनने फिर अपनी बहन से पूछा, भाना मामू, उनने कहा बहन तुम बताओ तुम्हें कितनी ज़मीन है तुम्हारी। तो उनने बताया कि मेरी इतनी ज़मीन है और इतने फुट है। तो उनने जब नापा रस्सी से तो पूरी ज़मीन उनके हिसाब से अनुकूल आ गई भाना मामू की। तब उनने कहा कि आज के बाद ये ज़मीन पर राजपाट कौन करेगी, भाना मामू नहीं करेगी। तो अब उनको ज़मीन सौंपी। उनने कहा फिर घर का, उनने कहा राजपाट, उनने कहा घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो 22 भाई पठारू से पूछा, ये बता नहीं पाए कि हमारा घर कहाँ पर था क्या था करके। तो ये 22 भाई पठार नहीं बता पाए। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 22 भाई उनसे पूछा, उनने कहा मेरा यहाँ पर यह है, मेरे यहाँ पर पति की यह है, यहाँ पर मेरा बच्चों का यह है, यहाँ पर ये मेरा बच्चों का। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं, बाला गुड़िया को ये जब इतना बोलते हैं माता, तो इनको राजपाट भी सौंप देते हैं। इनका राजपाट भी कहते हैं, तुम बाला गुड़िया कहते हैं तुम राजपाट भी आज से तुम्हारा, तुम्हारा सब तुम्हारा है, तुम संभालोगे राजपाट। तब 22 भाई मोहरू से कहते हैं कि आप लोग राजपाट छोड़ दो। तो 22 भाई मोहरे अपनी अकड़ में रहते हैं, हम क्यों मानेंगे किसी का आदेश, हम किसी का आदेश नहीं मानते। तो दोस्तों जब 22 भाई मोहरे मानने से इनकार करते हैं, तो गोलू देवता समझाते हैं, अरे 22 भाई मोहरो मान जाओ और इतना उर्धंग नहीं काटते हैं, और तुम मान जाओ, तुम अच्छे हो और क्या नाम कहते हैं मान जाओ। तो इनने बाला गुड़िया को ललकारने लग गए, तू राजवंशी है तो आजा हमारे साथ युद्ध करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। तो बाला गुड़िया को ललकारने लगे। तो ये क्या हुआ, 22 भाई पठार क्या हो गए, 22 भाई पठार क्या हो गए, गोलू देवता को मारने चले गए युद्ध में, ललकारा इन्हें और 22 भाई पठार सब वहाँ को ललकारने लगे। तो दोस्तों जब ये वहाँ को मारने गए, तो गोलू देवता अपने स्थान पे खड़े थे। तो दोस्तों ये अपने स्थान पे खड़े थे और इनने जय हो मामू का नाम लिया, और दोस्तों इन जो चाबुक थे इनके हाथ में वो ऐसे चलने लगे, चटा चट चटा चट चटा चट, कोई किधर से पड़ा कोई किधर से, ये समझ लो कि बारिश होने लग गई चाबुकों की। तो दोस्तों वो खून से लथपथ हो गए चाबुक पूरे। तो दोस्तों चटा चट, कोई किधर से पड़े कोई किधर से पड़े कोई किधर से पड़े, और दोस्तों बाला गुड़िया अपने ऐसे हाथ पे पीछे ऐसा हाथ करके बैठ रखे हैं खड़े उड़ के। तो दोस्तों जब इनके चाबुक इतने पड़े वहाँ से, दबा दब 22 भाई पठारों के चाबुक पड़े, तो दोस्तों ये सारे नतमस्तक हो गए, तो सब दादू गोरिया के शरणों में आ गए। उन्हें दादू गोरिया हमें माफ़ कर दो, गोरिया हमें माफ़ कर दो, आज के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा जैसा फैसला होगा हम सब मानेंगे, आज के बाद तुमसे ना कभी आगे जा रहे हैं और ना कभी तुमसे पीछे आएंगे, हम तुम्हारे फैसले का नतमस्तक सम्मान करेंगे, दादू गोरिया हमें माफ़ कर दो, दादू गोरिया हमें माफ़ कर दो। तब बाला गोरिया प्रसन्न होते हैं फिर इन पर, तो बाला गुड़िया प्रसन्न होते हैं। तब जाके फिर सारा राजपाट किसको देते हैं, भाना बामड़ी को देते हैं। तो उनसे कहते हैं अब मैं बहन खुश हूँ। तो इनकी बहन भी कहती है दादू मैं खुश हूँ, मैं समझ गई कि बाला गुड़िया क्या चीज़ है और क्यों तुम्हें इतना मान है, क्यों सम्मान है। अगर धरती पर कोई न्याय करने वाला अगर कोई राजा है तो वो दादू गुड़िया है, और दादू गुड़िया का न्याय का डंका पूरे उसमें बजाया है दोस्तों। फिर दोस्तों बाला गुड़िया कहते हैं दीदी अब मैं जाता हूँ, अब मैं पहले झांकर सैम जाता हूँ, अपने मामू से मिलकर आता हूँ और मामू को प्रणाम करके फिर मैं अपने गढ़ी चंपावत को चले जाऊँगा वहाँ से। तो दोस्तों फिर बाला गुड़िया कहाँ पहुँच जाते हैं, झांकर सैम मामू के दर्शन करने पहुँच जाते हैं। जब मामू के दर्शन करने वहाँ पहुँचते हैं झांकर धोने में, झांकर सैम में, तो दोस्तों वहाँ पर दर्शन करते हैं, तो मामू कहते हैं इनसे कि आप जाओ पहले स्नान करो, गंगा स्नान करो, पहले शुद्ध हो जाओ, क्योंकि उनके चाबुक पर खून के दाग वगैरह ऐसे लगे थे। तो दोस्तों ये वहीं पर कुंड होता है, तो कुंड में नहा के गंगा स्नान करके वहाँ से शुद्ध होके, तो दोस्तों फिर अपने गढ़ी चंपावत में चले जाते हैं। वहाँ से इनके मामू आशीर्वाद देते हैं, झांकर दूड़ी के स्वयं राजा इनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं जा राजा तू आज के बाद तेरा न्याय का डंका पूरी दुनिया में बसता रहेगा जैसे बसता आया है, और तू ऐसी न्याय करता रहेगा, न्याय प्रिय राजा बनेगा
और दोस्तों फिर ये अपना घोड़ा पकड़ते हैं गढ़ी चंपा बस से ना, झांकर धोनी से अपना घोड़ा पकड़ते हैं, मामू का आशीर्वाद लेने के बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं अपने गढ़ी चंपावत में। तो दोस्तों गढ़ी चंपावत में फिर अपना ये राजपाट फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार सभी लोग दिल से बोलेंगे, बोलो बाला गोरिया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो धर्म के अवतार की जय, श्यावल राम की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, पेत्रा सरकार की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, स्नो भगवान की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो बाला गोरिया की जय, हे दादू नार सिंह सदा रक्षा करना, हे बाला गोरिया सदा रक्षा करना। तो दोस्तों मैंने अपनी बुद्धि और वेग के अनुसार 22 भाई पठारों की कहानी बताई और किस तरीके से इनने मौरी कोर्ट में अपना पूरा राजपाट और ये करा था और किस तरीके से वहाँ से इनको छोड़ा के और इनका राजपाट सब वापस दिलाया भानावनी को। तो दोस्तों अब मैं आया था हूँ लोगों के सवाल और उत्तर देने के लिए। हमारी रेखा जी बिष्टी जी ने धन्यवाद करा है कि आपने हमारे सवालों का उत्तर दिया है। इनने बोला है कि नरसिंह देवता की किताब हमें कहीं और से भी मिल जाएगी, मतलब कहीं मार्केट में मिल सकती, मंत्र की या साबरी मंत्र। देखो कई कई लोग ऐसे हैं रखते हैं, नहीं तो आपको जोशीमठ से आपको आराम से मिल जाएगी। जोशीमठ जैसे आप कभी जाओगे, बद्रीनाथ को भी घूमने जाओगे, तो वहाँ पर ये नरसिंह देवता की मंत्रों की, साबरी मंत्रों की किताब वहाँ पर खुलेआम दराम बिकती है वहाँ पर नरसिंह देवता की मंत्रों की। और होता ही है क्योंकि देखो इनके मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, कि ऐसा नहीं कि ये वाले मंत्र, ये तुरंत लगने वाले मंत्र होते हैं नरसिंह देवता के, जाप के दौड़िया होते हैं, तुरंत इनके मंत्रों का असर पड़ जाता है। और इनके आगे भी मतलब आप वहाँ जाके कभी किसी कोई जाए जोशीमठ जैसे जाए तो आप मंगा सकते हो वहाँ से मंत्रों की किताब इनकी। तो इतना तो मेरे को भी मतलब वो नहीं है, एक बार मैं भी लेकर आया था बचपन में, तो मैं जब जोशीमठ बद्रीनाथ गए थे तो हम लेकर आए थे बद्रीनाथ से, तो वो किताब पता नहीं कहाँ गई, लुप्त हो गई, पता नहीं कहाँ गई वो किताब, तो मेरे से पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई वो नरसिंह देवता की किताब। खाली मेरे पास एक गत्ता जैसा बचा हुआ है उसका, अब वो मेरे पास किताब भी गत्ता भी नहीं है उसका। तो दोस्तों वो गत्ते की मैं पूजा करता हूँ बस, इतना है और कुछ नहीं है। और बाकी मेरे सब्सक्राइबरों का सभी का सवाल जवाब आए हैं कि किसी ने पूछा है जय हो गोलू देवता की जय हो और जय हो इष्ट देवता की सदा। और मैं दोस्तों सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी कहानी को सपोर्ट और ये कर रहे हैं और लगातार, और जो आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैं उन सब का आभार व्यक्त धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में मेरे साथ मदद करेंगे, धन्यवाद।